हेलो फूड लवर्स, स्वीट एंड सोल किचन में आपका स्वागत है। मैं सुमन आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक मानसून स्पेशल रेसिपी, क्योंकि बारिश हो रही है रिमझिम रिमझिम। तो क्यों ना कुछ गरम गरम बनाया जाए। तो आज हम बना रहे हैं पोटैटो चीज स्क्वायर। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। पोटैटो चीज स्क्वायर बनाने के लिए हमने लिए 4 मीडियम साइज के आलू बॉईल किए हुए, 2 गाजर ग्रेटेड की हुई, थोड़ा सा चीज ग्रेटेड किया हुआ, हरा धनिया, 2 हरी मिर्च, कॉर्नफ्लोर और मक्के का आटा। अब हम इसमें ये सारी चीजें ऐड करेंगे। गाजर, चीज, हरा धनिया, हरी मिर्च, रेड चिली पाउडर 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ओरिगेनो, ये ऑप्शनल है, 1/2 टेबल स्पून नमक। डाले हुए नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब हम इसका एक अच्छा सा डो बनाएंगे। पहले सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारी चीजें हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 चम्मच मक्के का आटा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर और मक्के का आटा हम इसको डो बनाते टाइम थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे। मैं इसमें थोड़ा सा मक्के का आटा और कॉर्नफ्लोर और ऐड कर रही हूँ। एक एक चम्मच हमने दोनों चीज ऐड कर ली है। कॉर्नफ्लोर और मक्के का आटा हमने इसमें बाइंडिंग के लिए डाला है। आप इसमें चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं। सब्जी इसमें ऑप्शनल है, यदि आप कोई भी सब्जी डाल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा ही डालें, क्योंकि आलू ऑलरेडी गीला होता है, डो तैयार है बिल्कुल। कोटिंग करने के लिए हमने लिया है ये 1 बाउल कॉर्नफ्लेक्स, जिसे हम फाइन क्रश कर लेंगे, और कॉर्नफ्लोर का हम एक पतला सा घोल तैयार करेंगे, जिसके लिए हम ले रहे हैं ये 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लेक्स को हमने क्रश कर लिया है और ये घोल भी हमारा तैयार है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। डो को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। हल्का सा हाथ पे हम घी लगा लेंगे। इसके हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। अब हम इनको एक शेप देंगे, स्क्वायर शेप।
ऐसे ही हम अपने सारे पीसेस तैयार कर लेंगे। पीसेस हमारे सारे तैयार हैं, अब हम इनकी कोटिंग करेंगे। कॉर्नफ्लोर के घोल को एक बार हम चला लेते हैं। पीसेस हमारे सारे तैयार हैं, अब हम इनको फ्राई करेंगे। हमने तेल गर्म करने के लिए रख दिया था, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। फ्लेम को मीडियम हाई ही रखना है। ऑयल गर्म है, अब हम इसमें पीसेस डाल रहे हैं। छह या सात पीसेस ही डालें, ज्यादा पीसेस ना डालें। अब हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। पोटैटो चीज स्क्वायर हमारे बिल्कुल तैयार है। इनको फ्राई करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा है। अब मैं इसकी आपको आवाज सुनाती हूँ, कितने करारे बने हैं ये, और देखिए अंदर से एकदम सॉफ्ट, ऊपर से करारे और चीज। पोटैटो चीज स्क्वायर हमारे बिल्कुल तैयार है। मैं इनको ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, आप इसे किसी भी सॉस या चटनी के साथ सर्व करें और गर्म गर्म इनको एंजॉय करें। रेडी टू ईट।